Welcome to IFS. I hope you are doing all fine students. Students, आज हमारे साथ में जुड़ गई हैं सोनिया ठाकुर. सोनिया ने इंडिया का टॉप एग्जामिनेशन फॉर द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्चर क्वालिफाई किया, विच इज CSIR. इन्होंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है फ्रॉम लाइफ साइंस कैटेगरी. तो आइए जानते हैं सोनिया की जर्नी, जो कि ये प्रिपरेशन की रही और कैसे इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया. फर्स्ट ऑफ ऑल सोनिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फ्रॉम IFS टीम दैट यू हैव क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स. आपको कैसा फील हो रहा है? सर, एक्चुअली इस टाइम बहुत अच्छा फील हो रहा है. जब एग्जाम का रिजल्ट आया था तो खुद से ज्यादा एक फैमिली को ज्यादा खुशी होती है इस चीज को लेके, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है हमसे. तो जब रिजल्ट आया था तो मैंने अपनी फैमिली को बताया था और उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई थी इस बात से. और फैमिली खुश होती है तो हमें और भी ज्यादा खुशी होती है, उन्हीं की खुशी में हमारी खुशी है. तो सोनिया ठाकुर, एक आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, हमारे स्टूडेंट्स आपको देखेंगे. आपका अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की आपने, आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स थे, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन किन सब्जेक्ट्स में की और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की, और ये आपका एक बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप जरूर दीजिए. तो मेरा नाम सोनिया ठाकुर है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन यही अपने मंडी कॉलेज से करी है, वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी से, जिसमें मेरे सब्जेक्ट जो थे वो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस एक्सेट्रा यही थे. उसके बाद जो मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से की, जहाँ पे जितने भी जो लाइफ साइंसेज एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट होते हैं, जो भी एग्जाम में होते हैं, वो सभी सब्जेक्ट हमें वहाँ पर थे. तो इससे एक क्या होता है, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, और साथ ही वहाँ पे टीचर्स का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा. वेरी गुड. तो आपने ग्रेजुएशन की थी केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी ऑप्शनल में, जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो जूलॉजी था. लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कॉलेज में जो सब्जेक्ट थे ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो वो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री तीनों थे. लेकिन फिर मैंने जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी वो जूलॉजी स्पेशलाइजेशन में करी. तो दैट्स वेरी नाइस कि आपने जूलॉजी स्पेशलाइजेशन किया, तो इससे काफी हेल्प मिली होगी आपको फॉर द प्रिपरेशन. तो आपको IFS इंस्टीट्यूट के बारे में कहां से पता चला? सर, मैंने IFS से का पता जो है वो YouTube से ही चला था, क्योंकि वहां पे जो उनके ऑफलाइन रिकॉर्डिंग वीडियोस जो होती थी तो मैं उनको देखती थी, फिर वहां से मुझे पता चला. तो फिर उसके बाद जो मैंने IFS का जो था वो टेस्ट सीरीज लिया, जो एग्जामिनेशन के टाइम पे लिया था. तो फिर जो उनकी टेस्ट सीरीज ने बहुत हेल्प करी एग्जाम को क्लियर करने के लिए. नाइस, वेरी गुड. सो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज के अंदर जो फॉर्मुलेट करते हैं पेपर्स का ना, जो फॉर्मूला रहता है वो प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन के बेस पे रहता है. वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि आगे जाके पूछे जा सकते हैं. तो जितनी भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस है वो सभी एक्सपीरियंस फैकल्टीज बनाते हैं, ताकि आपको स्टूडेंट्स जो भी उस टेस्ट सीरीज को दे रहे हैं मॉक टेस्ट एंड ऑल, तो उन टेस्ट सीरीज से उनको हेल्प मिल जाए. दैट इज हाउ इसी तरीके से हेल्प मिला. बिल्कुल, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी है. हम प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन के समय में हम अगर क्वेश्चंस लगाते हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट रहता है हमारे क्वेश्चंस के. तो आपने प्रिपरेशन किया, आपका मास्टर्स रहा, आपने जूलॉजी स्पेशलाइजेशन से किया मास्टर्स. सो जूलॉजी जरूर ये जानना चाहेंगे कि उनके लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा उन यूनिट्स का, जो कि CSIR में 13 यूनिट्स है, उनमें से कौन सी परफेक्ट यूनिट्स रहेगी कॉम्बिनेशन में, ताकि वो इजीली उन यूनिट्स को सबसे पहले कवर करें और उसके बाद में बाकी यूनिट्स को भी जरूर कवर करें. बट मेन फोकस जिन यूनिट्स पर आना चाहिए वो कौन सी होती है अकॉर्डिंग टू यू सोनिया? तो जैसा कि मैं जूलॉजी फील्ड से हूँ, लेकिन फिर भी इसमें एक बात है कि मैंने इसमें एनिमल्स, जो कि एनिमल फिजियोलॉजी जो मेन जूलॉजी की एक पार्ट होता है, लेकिन मैंने वो पढ़ा ही नहीं था. तो मैंने जो इसमें था वो मैंने प्लांट फिजियोलॉजी की थी, अच्छे से की थी वो. और अगर मैं यूनिट वाइज बात करूँ तो सबसे पहले यूनिट बायोकेमिस्ट्री, इसको छोड़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये ना सिर्फ अकेले आता है लेकिन ये और यूनिट के साथ कंबाइन होके भी आता है. तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री, सेकेंड यूनिट सेल बायोलॉजी वो भी की थी, थर्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. फोर्थ यूनिट जो थी वो सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग थी, वहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और उसका जो पार्ट इम्यूनोलॉजी वहां से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं. फिर जो फिफ्थ यूनिट डेवलपमेंटल बायोलॉजी थी, मैंने वो भी की थी, क्योंकि जूलॉजी का एक मेन पार्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी होता है, तो वो इजीली हमारे सिलेबस के साथ कवर अप हो जाता है. फिर उसके बाद जो सिक्स यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी थी, तो ऑब्वियसली मैंने वो यूनिट की थी,
उसके बाद जो सेवन्थ यूनिट थी एनिमल फिजियोलॉजी, मैंने एनिमल फिजियोलॉजी के सिलेक्टेड टॉपिक्स किए थे, ऐसा नहीं कि मैंने पूरी यूनिट की थी, मैंने कुछ टॉपिक किए थे और कुछ टॉपिक जो जो है छोड़ दिए थे. उसके बाद जो एट्थ यूनिट जेनेटिक्स की थी वो भी मैंने की थी, क्योंकि जेनेटिक्स जो होती है वो बॉटनी और जूलॉजी दोनों के लिए कॉमन होती है, तो वो हम दोनों करते हैं. फिर जो नाइन्थ यूनिट डाइवर्सिटी वाली थी वो भी मैंने की, ऐसा नहीं कि मैंने वो यूनिट सारी की थी, मैंने उसके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़े हुए थे जी. फिर टेंथ और टेंथ और इलेवेंथ यूनिट जो है इकोलॉजी और इवोल्यूशन थी, इकोलॉजी मैंने पूरी की थी और जो इवोल्यूशन थी उसके मैंने कुछ टॉपिक्स किए होते, जैसे एक कोर इवोल्यूशन होता है, एक दूसरा क्लासिकल इवोल्यूशन होता है, मैंने क्लासिकल इवोल्यूशन वाला पार्ट छोड़ दिया था. फिर जो ट्वेल्थ यूनिट की बात करूँ तो उसमें मैंने कुछ सिलेक्टिव टॉपिक किए थे जो कि ट्वेल्थ और थर्टीन यूनिट में कंबाइंड होके आते हैं, तो मैंने वो किए थे. और जो थर्टीन यूनिट की बात करें तो उसमें पूरी टेक्निक से भरी होती है वो यूनिट, तो मैंने उसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थी जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने वो वाली की थी. तो अगर मैं बात करूँ, ऐसा होता है कि कई बच्चों का सेवन या एट यूनिट करके भी हो जाता है, और कई बच्चे होते हैं जिनका दस यूनिट करके भी नहीं होता है. तो आप जितना अपने आप से कर सकते हो, जितनी यूनिट कर सकते हो उतनी हमें कर लेनी चाहिए ऐसे. और जो रेस्ट यूनिट हम छोड़ देते हैं तो हमें उसमें भी देख लेना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, हमें उनको भी जी, तो हमें उनको भी कवर अप कर लेना चाहिए. यूनिट सभी पढ़नी चाहिए, यूनिट सभी पढ़ते हैं तो एक दूसरे से रिलेट होती है यूनिट, जैसा कि आपने बताया बायोकेमिस्ट्री तो वो हर जगह काम आती है, तो वो भी हर जगह काम आती है, हर जगह काम आती है. इस तरीके से क्या है कि हम यूनिट सभी को कवर करें तो हमारा बेस क्लियर हो, उसके बाद में जैसा कि सोनिया ठाकुर ने आपको बहुत अच्छे से बताया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस कीजिए, जहां पर बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन यूनिट्स को, उन टॉपिक्स को काफी अच्छे से कीजिए, ताकि दोबारा से रिपीट हो क्वेश्चन तो आप उसको अटेंड कर सकें. ऑल्सो सारी यूनिट्स को कवर करने का फायदा है कि किसी भी यूनिट से अगर सिंपल क्वेश्चन कहीं आ रहा है तो वो आप इजिली सॉल्व कर सकें, तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप सभी यूनिट्स को अच्छे से कवर कीजिए, एंड जो आपके इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनको आप बिल्कुल फोकस कीजिए, जो आपका इंटरेस्ट का है जिसमें आपका एमएससी है उसमें भी, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आप सभी यूनिट्स के कीजिए ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसको अटेंड करने के लिए रेडी रहें. सोनिया ठाकुर आपने बताया कि 13 यूनिट्स है, बिल्कुल आपने सभी यूनिट्स को कवर किया, तो आपने किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट रखा इसका कि आपने सभी यूनिट्स कवर भी कर ली, उनके क्वेश्चंस भी किए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी किए और टेस्ट सीरीज भी की, हाउ वाज योर टाइम मैनेजमेंट? एक्चुअली मैंने जो अपनी प्रिपरेशन थी वो रनिंग एमएससी से स्टार्ट की थी, तो उस टाइम मैं अपना सिलेबस ही कवर कर रही थी, और उसके बाद जो लास्ट ईयर सितंबर में जो एग्जाम हुआ था तो मैंने वो दिया था, और उस टाइम मेरी प्रेपरेशन ऑलमोस्ट कुछ यूनिट जो थी वो मैंने छोड़ दी थी, और उस टाइम मैंने जो एक सबसे बड़ी गलती की थी वो थी कि मैंने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं की थी, ना ही कोई टेस्ट सीरीज दी थी, जिससे एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है देने में फिर. तो उसके बाद जो सितंबर से लेके अभी जून तक का जो टाइम था उसमें मैंने फिर अपना टाइम मैनेज करना स्टार्ट कर दिया कि कौन सी यूनिट कब करनी है, जो यूनिट मेरी वीक थी मैंने पहले उनको प्रिपेयर किया, जो यूनिट जिन यूनिट में मेरी अच्छी कमांड थी उनको मैंने थोड़ा एग्जाम के टाइम के लिए रखा, क्योंकि उनमें मेरी ऑलरेडी प्रैक्टिस बन चुकी थी और उनकी मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही की थी एंड में, एंड का जो एक महीना था उसमें मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही की थी. आपका जो रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके हमें उतनी करनी चाहिए. फिर ऐसा होता है कि आप दिन में दिन के टाइम पे ऐसा होता है कि आप पूरा दिन आप सिलेबस को पढ़ लो, जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज कर लो. फिर जो सुबह के टाइम होता, मैं ऐसा करती थी कि जो सुबह का टाइम होता था उस टाइम पे मैं अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, या फिर कोई जो टेस्ट देना होता था तो मैं सुबह के टाइम 9 से 12 बजे तक बैठ के देती थी. फ्रेश माइंड से क्वेश्चन करना, वो चीज़ें याद रहती है, बहुत ही अच्छी पॉइंट है आपका, बिल्कुल ये सभी स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए. मॉर्निंग के टाइम पे आप प्रिपरेशन कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो चीज आपके लिए लंबे टाइम तक याद रहती है, चीजें ज्यादा क्लियर होती है. और फिर हमारा जो एग्जामिनेशन का टाइम होता है वो 9 to 12 और 2 to 6 तक होता है, तो उस टाइम पे क्योंकि हमारा एग्जाम होता है तो हम एक मेंटली प्रिपेयर कर जाते हैं अपने आप को कि हमारे इस टाइम पे एग्जाम है तो हमें अपनी टेस्ट सीरीज इस टाइम पे देनी है, तो इससे एग्जाम में हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है. यस डेफिनेटली. सो बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट बताया आपने, काफी डिटेल में टाइम मैनेजमेंट बनाया, बिल्कुल स्टूडेंट्स को ये फॉलो करना चाहिए. लास्ट के एक मंथ के अंदर बिल्कुल आप उसको दीजिए प्रैक्टिस में, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स उतने ज्यादा रिफाइन होते रहेंगे, क्लियर होते रहेंगे,
ये काफी अच्छी चीज बताई आपने सोनिया। सो आपने देखिए ड्यूरेशन बहुत लंबा था ये प्रिपरेशन का, और इस ड्यूरेशन के टाइम पर आपके हर्डल्स भी बहुत आए होंगे, काफी कठिनाई आई होंगी। उन हर्डल्स कौन कौन से हर्डल्स थे जो कि आपने फेस किए, और उन हर्डल्स को आपने किस तरीके से ओवरकम किया? तो जो मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरा लेक्चरशिप 0.2 से रह गया था, 0.2 से रह गया था। तो फिर उसके बाद मैंने 1-2 महीना तो बिल्कुल ही प्रेपरेशन छोड़ दी थी कि मैंने मतलब मन ही नहीं कर रहा था करने का। फिर उसके बाद फरवरी में गेट का एग्जाम भी था, फिर मैंने गेट की प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि गेट का ऐसा होता है उसका वाइड सिलेबस होता है लेकिन इतने इन डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं वो। तो फिर मैंने गेट की प्रेपरेशन स्टार्ट करी, फिर मैंने गेट का एग्जाम दिया और वो क्लियर हो गया। फिर जो मार्च से लेके जून तक का टाइम था, फिर मैंने वो सिर्फ नेट का था कि अब करना ही है, क्लियर तो करना ही पड़ेगा। फिर जो पीरियड बचा उसमें मैंने फिर सीएसआईआर की प्रैक्टिस करना फिर से स्टार्ट कर दी। फिर उसमें पहले जो मैंने टॉपिक छोड़े हुए थे उनको मैंने फिर से कवर अप किया, जो टॉपिक फिर जो अच्छी जिन पे अच्छी कमांड थी उनकी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे फिर। और जैसे कि मैंने बताया लास्ट के 1 मंथ पे आप जितना ज्यादा हो सके रिवीजन कीजिए, और अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी या फिर जो भी टेस्ट सीरीज ली होगी जितनी ज्यादा हो सके आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो देखिए सही बात है, देखिए कभी भी एग्जाम अगर आपका क्वालिफाई किसी भी रीजन से लक के फैक्टर पे या फिर किसी प्रिपरेशन के फैक्टर पे थोड़ा सा रह जाता है, तो ऐसा नहीं हताश होकर के कि हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन छोड़ दें। हार्ड वर्क अगर अपन कंटिन्यूअसली करते रहते हैं तो सक्सेस मिलती है। इन द लिविंग एग्जाम्पल इज सोनिया, इनका एग्जामिनेशन एक बार जब रह गया था उसके बाद भी इन्होंने फिर से प्रिपरेशन की, हार नहीं मानी, और देखिए आज इनका रिजल्ट आया है एंड शी गॉट सेलेक्टेड। तो आप लिटरली इंस्पिरेशन है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वे बेसिकली आपको देखेंगे और इस चीज से सीखेंगे कि यस हार्ड वर्क पेज, ठीक है, बस आपको हार्ड वर्क करते रहना है। ये हमेशा आपका किस्मत खराब नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा कि आपका टॉपिक में क्वेश्चन गलत हो गया, एक ना एक बार आप सक्सेस पे जाएंगे, जस्ट कीप हार्ड वर्किंग। तो आपने काफी अच्छा इंस्पायर करे स्टूडेंट्स को। सो आपके इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन मेरे ब्रदर्स है, मेरे भाई जो है वही मेरी इंस्पिरेशन है। वेरी नाइस। तो कोई रोल मॉडल आपके जिनको आप देख के आपको लगता है कि यस मुझे उनके जैसा बनना है? ऐसा तो कोई नहीं है फिलहाल। तो सोनिया आप अपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है, ऐसा तो आपके फ्यूचर के क्या गोल्स हैं, अब नेक्स्ट गोल्स क्या हैं आपके? इन फ्यूचर मेरा नेक्स्ट दिसंबर वाला जो सीएसआई का एग्जाम होगा मैं फिर से उसको दूंगी और जेआरएफ क्लियर करने की प्रैक्टिस करूंगी जी। फिर उसके बाद पीएचडी के लिए एनरोल करना चाहूंगी। वेरी नाइस, यस डेफिनेटली एक हर्डल आपने क्लियर कर लिया है, बस एक और रहता है, और डेफिनेटली वी नो, हम जानते हैं कि आप फॉर श्योर जेआरएफ के साथ में क्वालिफाई करेंगे दिस टाइम, एंड वी रियली रियली विश यू best of luck for that examination, and thank you for inspiring the students from your story. Basically aapko janke bahut students inspire honge, aapse seekhenge, and thank you very much for joining with us, and we really congratulate you again in this occasion on your success of LS CSIR, and we really wish best of luck for your further examination. Thank you Sonia thank you sir thank you Sonia for enlightening us. Thank you, sir.